तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, फास्टेस्ट सीरीज में आज बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ये यूनिट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हालांकि कुछ का रिवीजन आएगा, वो रिएक्शंस दोबारा तीन बार पहले भी आ चुकी हैं, अब भी आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट बहुत ज़्यादा मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है, चाहे आपका बोर्ड एग्ज़ाम है या कंपटीशन है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो सबसे पहले ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ये दो वैलेंसी यहाँ पर खाली दिखाई है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें थ्री मेजर क्लासेज हैं कंपाउंड्स की, जिसमें एक तो ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ, देखो ये तो कॉमन है सब में, ये तो होगा। एक ये है कि एक अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, यानी कि आर सी एच ओ। अगर ये है तो इसका नाम है एल्डिहाइड ग्रुप। आर सी ओ आर डैश ये है तो इसका नाम है कीटोन। आर सी ओ ओ एच इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थ्री मेजर क्लासेज हैं इनकी। कीटोन्स के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि ना तो ये कार्बन चेन के लास्ट में आते हैं, ना बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जरूरी है तो ये बीच में आते हैं। तो पहला ही जो कीटोन है उसके लिए कम से कम तीन कार्बन की जरूरत आपको पड़ेगी। आर सी ओ एच ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स को हटाकर, ये जो ओ एच है इसके साथ हम खेल करेंगे कुछ, यहाँ से हटा के अलग अलग ग्रुप्स जोड़ते हैं तो फिर चार टाइप्स के कंपाउंड बनते हैं जो इनके डेरिवेटिव्स कहे जाते हैं। जैसे इस आर सी ओ, ये तो कॉमन है, ये तो ग्रुप रहेगा ही रहेगा। अगर यहाँ कोई हेलोजन लगा दें तो इनको एसाइल हैलाइड्स या एसिड हैलाइड सिंपली बोल देते हैं। अगर आर सी ओ आर सी ओ और दोनों को जोड़ दो ऑक्सीजन के थ्रू तो ये एसिड एनहाइड्राइड हैं। आर सी ओ यहाँ लगा दिया ओ आर डैश तो ये एस्टर्स हैं। आर सी ओ ऐसे ही है, एन एच टू लगाया तो ये क्या है, अमाइड है। अब कुछ कॉमन नेम है नोमेनक्लेचर में जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए आपने रिएक्शन याद कर ली, मैकेनिज्म याद कर ली, लेकिन पेपर में अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये कंपाउंड कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे। जैसे आपको कहा जाए एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन लिखो और आपको ये ना पता हो एसीटल्डिहाइड क्या चीज़ है, तो रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे। तो ये कुछ कॉमन नेम है ज़रूर याद करने पड़ेंगे आपको। CH3CHO इसका कॉमन नेम है एसीटल्डिहाइड। आयुपैक अलग है, जैसे दो कार्बन है CHO है तो AL सफिक्स होता है, इथेनल होगा, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। बेंजीन के ऊपर CHO है, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये देखिए CHO ग्रुप यहाँ पे है, CH2CH के ऊपर BR है, CH3। याद रहे दोस्तों, जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसको अल्फा कार्बन कहा जाता है, उससे अगला कार्बन बीटा होता है, उससे अगला गामा होता है। तो मेन ग्रुप है ये CHO पूरा। अब इसमें खुद में ही कार्बन है, कहीं आप इसको अल्फा मान लो, ये इससे जुड़ा है तो ये क्या है, अल्फा कार्बन। ये कौन सा है, बीटा। तो बीटा के ऊपर ब्रोमीन है, यानी कि तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है। CH3COCH3 एसीटोन कीटोन है ये, प्रोपेनोन आयुपैक नेम है, एसीटोन कॉमन नेम है। बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप है, ये क्या है, एसीटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर CO और ये इथाइल ग्रुप है यहाँ पे, तो ये एक दो तीनों कार्बन जोड़ लिए हैं यहाँ के, ये प्रोपियोफिनोन इसका नाम है। दोनों बेंजीन रिंग को कनेक्ट किया CO से, इसका नाम है बेंजोफिनोन। अब जान लेते हैं कुछ आयुपैक नेम, इसको IUPAC भी बोल देते हैं लेकिन एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन आयुपैक है। तो आयुपैक नेम क्या है, CH3CHO। तो हमें क्या होता है, आयुपैक जब भी लिखेंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप देखना होता है, टोटल कार्बन लिखो और उसका जो सफिक्स है वो लिख दो। जैसे CHO है तो इसका सफिक्स होता है AL, एल्डिहाइड का। तो कार्बन कितने हैं ये भी गिनना, ये भी कार्बन ही है, एक और एक दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन के एल्केन का नाम लिखो, इथेन, और सफिक्स है AL तो ये लगा दो, तो इसका नाम क्या है, इथेनल। अब जैसे ये कंपाउंड है CH3CH2CH2 CH के ऊपर BR CH CH3CH2 और ये है एल्डिहाइड, तो यहीं से गिनना पड़ेगा एक दो, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी होती है आपको, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है CHO ग्रुप है, इट मीन्स लास्ट में तो हेप्टेनल आएगा। सेवन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, हेप्ट, अल्केन हुआ हेप्टेन, AL लगा दो सफिक्स, तो क्या नाम होगा, हेप्टेनल।
अब 1, 2, 3 के ऊपर है मिथाइल, 4 के ऊपर कौन है ब्रोमीन, ये अल्फाबेटिकली लिखने होते हैं। तो बी आर पहले आता है, बी यानी कि पहले आता है अल्फाबेट में, एम बाद में आता है। तो 4-bromo-3-methyl हेप्टेनल इसका नाम है। ये है क्या है दिखाई दे रहा है, ये कीटोन है सी ओ, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। 3 के ऊपर क्या है मिथाइल, फिर ये साइक्लिक है तो साइक्लो लगा दिया इसके लिए, पेंटेनोन, कीटोन का सफिक्स है ओन, तो कार्बन गिने 5 थे तो पेंटेन होगा, सफिक्स है ओन तो पेंटेनोन, साइक्लिक था तो उससे पहले साइक्लिक भी आपको लिखना पड़ेगा। इसमें ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है याद रखना है, जब एल्डिहाइड ग्रुप आपका रिंग से जुड़ा हुआ हो साइक्लिक कंपाउंड से तो उस साइक्लिक कंपाउंड का नाम लिखो, और फिर वहां पर एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे आप ना AL, वहां पर कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है। तो ये क्या है साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट ये है CHO ग्रुप, यानी कि 1, 2, 3, 2 के ऊपर ही क्या आ गया डबल बॉन्ड यानी कि ईन, तो अब की बार अल्केन की बजाय अल्कीन आ गया, यानी कि तो 2 के ऊपर ईन है और AL 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट 2 ईन अल या 1 अल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये कंपाउंड है तो याद रहे गिनती कहाँ से करोगे, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि जहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ये 1 कार्बन है, ये 2, ये 3, अगर इसको मैं देखता हूं तो ये है प्रोपेनोन, ये क्या है प्रोपेनोन है क्योंकि बीच में आया है, तो ये कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, ये CHO ग्रुप नहीं है CO ग्रुप है, तो ये क्या है कीटोन है, तो ये है प्रोपेनोन। अब ये क्या लग गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है फिनाइल, क्योंकि बेंजीन का एक हाइड्रोजन आप हटा दें तो C6H5 बचेगा, वो फिनाइल होता है, और ये कहाँ आया फर्स्ट कार्बन पर, तो 1 के ऊपर क्या है फिनाइल प्रोपेन, 1 के ऊपर ही क्या है ओन, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन इसका नाम है। यहां पर दोनों ग्रुप आगे देखो एल्डिहाइड CHO, ये CO कीटोन ग्रुप है, तो इनमें मेन ग्रुप अब माना जाएगा एल्डिहाइड, वहां से गिनती आप स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा कीटोन, और जब ये मेन ग्रुप का काम करता है तो इसका सफिक्स है ओन, लेकिन जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करे तो इसका होता है ऑक्सो, आपको याद रखना है। तो 1, 2, 3 के ऊपर क्या आया ऑक्सो, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है तो पेंटेनल या पेंटेन 1 अल, वो एक ही बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आपको जरूर याद रखना, ये लीक से हटके कंपाउंड है, यहां भी CHO है भाई, यहां भी CHO है, यहां 3-3 CHO दे दिए, तो हमें क्या करना है 3-3 एल्डिहाइड आगे, तीनों मेन ग्रुप हैं, सबको बराबर की इंपॉर्टेंस देनी है, तो क्या करेंगे इन तीनों को बाहर रखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है, ये जो बीच का बच गया ये है प्रोपेन। अब इस प्रोपेन के ऊपर अगर एक बार यहाँ से गिनती स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, एक 1 के ऊपर है, एक 2 के ऊपर है, एक 3 के ऊपर है, तो सीधा लिख देंगे हम प्रोपेन 1, 2, 3, 1, 2, 3 ट्राइकार्बल्डिहाइड, यानी कि इसका लीक से हटकर नाम है, तीनों एल्डिहाइड को हमने प्रायोरिटी देनी है, मेन महत्व देना है। नेक्स्ट है CHO के ऊपर NO2, तो यहाँ गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर नाइट्रो है और बेंजल्डिहाइड। अब आपको याद रखना थोड़ा सा ये भी, कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है सी डबल बॉन्ड ओ, यही तो ग्रुप था, तो इसमें क्या है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये है, ये है, 3 सिग्मा है और एक क्या है पाई बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जहां पर 1 पाई बॉन्ड होता है और बचे हुए 3 सिग्मा होते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन की। यहां पर ये बॉन्ड नेचर में कैसा है पोलर है, हर एक में यहां भी यहां भी यहां भी एंगल है 120 डिग्री, पोलर मींस ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो अंजाम ये होगा कि इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाले को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, तो ये जो है माइनस वाले को ये अट्रैक्ट करेगा प्लस, तो ये काम करेगा कि इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया अब इसके अंदर,
और ये माइनस है तो ये कैसा सेंटर बन गया, न्यूक्लियोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी इसके अंदर मौजूद है। और इस बॉन्ड में क्या है, पोलैरिटी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp2। एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब देखते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स। तो पहले हैं इनके कॉमन मेथड्स, फिर इसके बाद दो दो तीन तीन इनके स्पेसिफिक मेथड्स भी हैं। तो पहले कॉमन मेथड्स हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के, पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। ये सारे पुराने मेथड्स हैं, प्लस वन क्लास में भी आए हैं, प्लस टू में भी पहले आ चुके हैं। जैसे ये है प्राइमरी अल्कोहल CrO3, तो इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन मिलते हैं, आपको ये पता है। जैसे ये RCHO एल्डिहाइड है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल आप लेते हो CrO3, तो इससे आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। सिमिलरली जो दूसरा मेथड है ये क्या है, डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव करना है आपको अल्कोहल का। तो हैवी मेटल्स जो हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं और इनके ऊपर अल्कोहल के वेपर्स हम पास करते हैं। तो प्राइमरी जो अल्कोहल है कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, इनसे एल्डिहाइड बनता है, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है इनसे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तीसरा मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस मीन्स ओजोन के साथ रिएक्शन करवानी है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओ, ये दोनों बॉन्ड बीच से आपने उड़ा देने हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ दो, ओजोन में तीन ऑक्सीजन है, एक यहाँ, सारी ये बॉन्डेड हैं। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन आपने करवानी है, हीट करना है, तो इसको एक तरफ ले आओ, इसको एक तरफ ले आओ, तो ये क्या बन गया, CH2O मींस ये आधा बॉन्ड इसको यहाँ मिलेगा, तो C डबल बॉन्ड O और दो H हैं, यानी कि HCHO है ये फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह ये भी क्या है, HCHO, एक ऑक्सीजन बच गया, वो किसको दे दो, इस जिंक को, तो ये बन जाएगा ZNO, यहाँ से निकल जाएगा और ये फॉर्मल्डिहाइड आपके पास आ जाएगा। लास्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, एल्काइन्स का आप हाइड्रेशन कर दें तो पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी जो अनस्टेबल होगी, इसके बाद टोटोमेरिज्म से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड या कीटोन्स वगैरह। जैसे ये है, ये हमने लिया इथाइन, H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, ये दो रिएजेंट चाहिए H2SO4, HgSO4, 333 333 केल्विन टेम्परेचर रखो, एक बॉन्ड को तोड़ के H1 को दे दो, OH1 को दे दो, H इसको दे दिया CH2 हो गया, ये OH इसको दे दिया है, ये अनस्टेबल है। अब यहाँ पर टोटोमेरिज्म होती है, टोटोमेरिज्म क्या होती है, कीटो इनोल जिसको बोलते हैं, यानी कि कीटो और इनोल, कीटो इनोल में बदल सकता है, इनोल का मतलब इन यानी कि डबल बॉन्ड, ओल मींस एल्कोहल यानी कि OH, तो कीटो फॉर्म जो है वो इनोल में बदल जाती है। जैसे ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन है, OH है तो ओल, तो इनोल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म में बदल गई। इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली ये H है ये, तो इसको दे दो और बदले में ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, तो C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, H इसको दे दो, ये H इसको दिया CH3 डबल बॉन्ड होगा, ये आपके पास आ जाता है एसिटल्डिहाइड। अब ये समझने वाली बात, वैसे तो यहाँ ज़्यादा काम की नहीं, आप यही याद रखेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए बोर्ड लेवल पर, तो कि डबल बॉन्ड ये है तो डबल बॉन्ड इसको दे दो और OH वाला H इसके पड़ोसी को दे दो। एक्चुअली बात ऐसे होती है, जहाँ पर अल्फा कार्बन है ये कंडीशन है और अल्फा हाइड्रोजन है, वहाँ पर ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होती है। कैसे भला, जैसे CH3, ये वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, हालांकि ये भी है, तो मान लिया ये अल्फा कार्बन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है हमने पढ़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CH2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ अभी इसको, CH3 को C ये प्लस होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, माइनस, ये इधर क्या है, CH3। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन कहेगा भाई मेरे ऊपर तो पॉजिटिव आ गया, ये पड़ोस वाले कार्बन से कहेगा भाई बहुत गलत हुआ, ऑक्सीजन मेरे इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, अपनी तरफ खींच लिए, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया उसने, तो क्या करें, ये कार्बन कहेगा भाई अपना तो सेम डिपार्टमेंट है, कार्बन तुम हो कार्बन हम हैं, एक मैक में के हैं, मदद करो, तो ये क्या करेगा, ये बदले में इस हाइड्रोजन को भगा देगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन छीन के, इलेक्ट्रॉन छीन के भगाएगा तो क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिए तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। अब ये H पॉजिटिव रोता बिलखता बेचारा इसके पास आएगा, O माइनस के पास, तो देखो क्या क्या कहानी बनी,
ये जो है O माइनस के पास H प्लस गया तो ये क्या बन गया OH, ये CH3 है, इसको हमने छेड़ा नहीं, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस के अट्रैक्शन से ही तो बॉन्ड बनता है, ये माइनस ये प्लस ये बॉन्ड बन गया। तो देखो क्या हुआ, कीटो फॉर्म थी, अब ये क्या है डबल बॉन्ड और OH, इनोल फॉर्म आ गई, ये कीटो इनोल आइसोमेरिज्म होती है, टोटोमेरिज्म इसको बोलते हैं, अल्फा कार्बन जरूर चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन जरूर चाहिए। खैर यहाँ हमने ये देखना है H और OH दो, तो इसकी टोटोमेरिज्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा LDID, इसके बाद पढ़ेंगे स्पेसिफिक मेथड कौन से LDID को प्रिपेयर करने के। हेलो दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ LDIDs पर। तो प्रिपरेशन ऑफ LDIDs ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं, कॉमन हम कर चुके हैं, और नेम रिएक्शन है इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल या एसिड हैलाइड्स, और इस एक नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बार बार आपसे पूछी जाती है। तो क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है अपने पास, बेंजीन के ऊपर COCl, इसका रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन मिला दो, मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, एक एच तो इस Cl के साथ भेज दो और एक एच इसको दे दो CHO, तो बेंजीलडिहाइड बन जाता है। याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैटलिस्ट आपको, तो पैलेडियम और BaSO4 ये इसमें कैटलिस्ट के रूप में यूज होते हैं। दूसरा मेथड है नाइट्राइल और एस्टर से तैयार करने का, तो ये सबसे पहले इसमें मेन रिएक्शन है एक स्टीफन रिएक्शन, ये भी एक रिडक्शन की रिएक्शन है, RCN ये नाइट्राइल है, SnCl2HCl ये है, तो पहले इमीन की फॉर्मेशन होती है RCH, क्योंकि ये था ना C ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक हाइड्रोजन इसको दो, एक इसको दो, एक बॉन्ड को तोड़ दो, तो ये बनता है पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसका हाइड्रोलिसिस अगर करते हैं, वाटर और एसिड्स वगैरह मिला देंगे तो क्या आएगा RCHLDIHIDE की प्रिपरेशन होती है। इसका दूसरा तरीका एक और है सेम इसी तरह से, जिस उसमें भी इमीन बनेगा और इसके बाद क्या बनेगा एल्डिहाइड, वो है डाइबल एच, ये डाइबल क्या है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो RCN है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है, आपको फिर से मिल जाएगा एल्डिहाइड। तीसरा तरीका इनका है हाइड्रोकार्बन से बनाने का, जिसमें फिर तीन चार मेथड हैं, पहला है टोलविन, ये फिर एक नेम रिएक्शन है, NCERT में भी है, ये आपको याद रखनी है, ईटार्ड रिएक्शन टोलविन से बनाते हैं, तो ये टोलविन है, ये है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2CS2, ये सॉल्वेंट है, और फिर हाइड्रोलिसिस आप करेंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है ये किस में चेंज होगा CHO में, ये ईटार्ड रिएक्शन है। इनका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, इस यूनिट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है उसका मैकेनिज्म, बाकी नहीं है रिएक्शंस का। नेक्स्ट है क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 की प्रेजेंस में, फिर वही लिया हमने टोलविन यानी कि मिथाइल बेंजीन CrO3, और ये क्या है एनहाइड्राइड लिया हुआ यहाँ पर, तो ये डाइएसीटेट की फॉर्मेशन होती है CH, तीन हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन रखो, दो जो वैलेंसी बचेंगी तो OCOCH3 OCOCH3, इसका हाइड्रोलिसिस आप करो तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो CH3COOH, एक इसको दे दो CH3COOH, तो टू मॉलिक्यूल तो बनेंगे CH3COOH के, और जो O है वो इसको मिल जाएगा, क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड। साइड चेन क्लोरीनेशन से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये है मिथाइल बेंजीन Cl2 और लाइट की प्रेजेंस में, तो CH के साथ दो Cl लगेंगे, वाटर की रिएक्शन आप करवाएंगे 373 केल्विन पर, तो दोनों जगह क्या आएगा OH, एक कार्बन पर एक से ज़्यादा OH नहीं रहते, H2O निकालो क्या बच जाएगा CHO। और लास्ट मेथड इनका है गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये गेटरमैन नहीं है, सिंपल गेटरमैन क्या थी सैंडमेयर रिएक्शन की एक मॉडिफिकेशन थी, जिसमें कॉपर पाउडर की बजाय कॉपर पाउडर लेते थे हम हैलाइड की बजाय कॉपर के, लेकिन यहाँ पर इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, कन्फ्यूज नहीं होना, ये अलग है उससे, इसमें क्या है बेंजीन है और कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड या कॉपर का क्लोराइड है, तो बेंजीन से आपको क्या मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस तरह से एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन होती है। अब आ जाते हैं कीटोन्स की प्रिपरेशन पर। पहला मेथड है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो एसाइल क्लोराइड क्या है RCOCl, टू मॉलिक्यूल्स इसके लेने हैं R2CD, तो CD के साथ 2Cl, क्योंकि 2 ले रखें ये चले जाएंगे, ये दोनों R यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। दूसरा मेथड है नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स क्या है CH3 CH2 CN जैसे एक नाइट्राइल लिया है, इसके साथ आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाना है, यहाँ पर जैसे कि हमने
एरोमेटिक लिया है C6H5MgBr, कहाँ से टूटता आपको पता है? मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यहाँ आएगा, तो एक बॉन्ड टूटता है, ये माइनस ये प्लस, तो ये जो माइनस वाला है ये यहाँ अटैक करेगा और प्लस वाला यहाँ अटैक करेगा, दो बॉन्ड बचे हुए हैं। तो दो बॉन्ड NMgBr सीधा लिखा और C6H5 यहाँ ऐसे लिख दिया हमने। इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर CO, बाकी ये पोर्शन एज इट इज रहेगा। Mg के हिस्से में कौन आएगा? इसके इसको दो H2 मिलेंगे, क्योंकि O यहाँ आ गया H2O का, H इसको मिलेंगे, तो NH2 और Br लग जाएंगे Mg से। इस तरह ग्रिंगराड रिएजेंट से आप यूज़ नाइट्राइल के ऊपर रिएक्शन करवा के बनवा सकते हैं कीटोन्स। आखिरी एक मेथड दिया हुआ है, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से आप बना सकते हैं। बहुत बार ये रिएक्शन आई है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला मैकेनिज्म है, बेंजीन है, RCOCl है, कहाँ से टूटेगा? यहाँ से। ये क्या है? माइनस, ये क्या है? प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एच पॉजिटिव को हटा के खुद आ जाएगा और इस तरह से ये कीटोन की फॉर्मेशन होगी। अब बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। दो चार पॉइंट्स इसमें हैं, जैसे मिथेनल है ये गैस होता है, इथेनल क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है, और जो दूसरे मेंबर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ये हेलो अल्केन से और कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होते हैं। कारण है कि इनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लेकिन एल्कोहल्स की बजाय इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं, जिसका कारण है कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं है जितनी एल्कोहल में। इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो केवल लोअर मेंबर्स में होती है, जैसे RCOR, जैसे ये कीटोन है, ये दूसरा है, ये वाटर है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ से बना, तो लोअर मेंबर्स में हो सकता है, हायर मेंबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें नहीं है। लास्ट बात आप याद रखेंगे कि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं उनकी पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो वो लेस पंजेंट होता जाता है, और हायर मेंबर्स तो फ्रेग्नेंट होते हैं, यहाँ तक कि वो परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखना है, पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पहले ही प्लस वन क्लास में आ चुका है, एल्कीन्स के ऊपर वो लागू होता है। मींस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब यह है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, वहाँ कुछ ऐड होगा। अगर फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों करता है? क्योंकि उसके करने के बाद वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड आता है, जैसे कार्बोकेटाइन वगैरह ज़्यादा स्टेबल बनेगा। यहाँ हम पढ़ेंगे कार्बोनाइल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं बहुत सारी, और उसका मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, प्लेनर है यहाँ पर, तो क्या करेगा? यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसा है? पोलर है। पोलर का मतलब ये है कि ये बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच के, यानी कि यहाँ पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है? स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें फर्स्ट अटैक जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल का है। फर्स्ट स्टेप में देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल वही होता है, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव लविंग, ये यहाँ पर अटैक करता है, जिसकी वजह से दो काम यहाँ पर होंगे। एक तो देखो, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होगी, sp2 से कार्बन अब sp3 हो गया है और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर गया है, अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव, ये बॉन्ड अब खत्म हो चुका है। ये पहला स्टेप है और ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ से आगे बात बढ़ेगी। अब ये जो माइनस है, यहाँ पर ये एच पॉजिटिव अटैक करता है और OH यहाँ पर ऐसे बनाता है, और इस तरह से फाइनल एक एडिशन प्रोडक्ट अपने पास आता है। ये मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का। ऐसे पूछा जाए तो बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बना के आप इसके बारे में यही दो चार बातें लिख सकते हो कि ये पोलर बॉन्ड है, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आएगा, इसके बाद एच पॉजिटिव करेगा और फाइनल अपने पास क्या आएगा? एडिशन प्रोडक्ट, sp2 से कार्बन sp3 में चेंज हो जाएगा। अब अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो चाहे एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं, अगर औरों की तुलना में देखें तो ज़्यादा रिएक्टिव होते ही हैं, लेकिन अगर इन्हीं दोनों की बात करें तो एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन्स की बजाय।
क्यों रिएक्ट होते हैं? इसके दो कारण हैं, एक तो स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसमें काम करता है, यानी कि आई इफेक्ट का काम आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का। जैसे मान लिया ये एक एल्डिहाइड है, एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या है इथेनल यानी कि एसीटल्डिहाइड है, और ये क्या है एसीटोन, ये कीटोन है। इन तीनों की रिएक्टिविटी पूछी जाए तो स्टेरिक तो क्या होता है, मीन स्पेस कम पड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल को आकर अटैक करना है। अब यहाँ पर क्या है अल्काइल ग्रुप है, यहाँ भी अल्काइल, तो यहाँ से बहुत, क्योंकि सी एच थ्री ऐसे बनेगा तो बहुत कम जगह बचेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, तो इस वजह से ये सबसे कम रिएक्टिव है, ये उससे ज़्यादा है ये सबसे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल आराम से आकर अटैक कर सकता है। ये है स्टेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पर देखो जब ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव लविंग है। अब जैसे ही एक अल्काइल ग्रुप आया तो अल्काइल ग्रुप का क्या इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इसके पॉजिटिव को कम कर देगा, कम कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल भी थोड़ा सा कम अटैक कर पाएगा, यानी कि ये कम रिएक्टिव। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर छोड़ दिया और पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और अगर ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा कम हो गया तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कम अटैक करेगा, यहाँ पर कोई कम करने वाला है ही नहीं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये उससे कम है, ये सबसे कम है। हेलो दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस देखते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो सबसे पहला है HCN का एडिशन, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है, पोलर है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो इसके ऊपर क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो HCN जब टूटेगा तो ऐसे टूटेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, तो यहाँ ये लोन पेयर है कार्बन पर माइनस है, तो ये यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे आके, तो इसको इससे अटैच कर दो और ये क्या है ओ नेगेटिव बचेगा, ये बीच का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, फिर एच पॉजिटिव रिएक्ट करता है, सी एन यहाँ है ही और ओ नेगेटिव के पास कौन आ गया एच पॉजिटिव, इस तरह से बनता है साइनोहाइड्रिन। दूसरा है जैसे NaHSO3, इसके साथ रिएक्शन, तो फिर वही बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप, इसमें पहले आएगा ओ एन ए, इसके साथ आएगा ओ एस ओ टू एच यानी कि SO3H जिसको आप कह सकते हैं, ये वहाँ लगेगा, अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये प्रोडक्ट आपके पास आता है। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMGX, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ से टूटेगा, मेटल्स वाला पार्ट क्या होता है पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये है न्यूक्लियोफाइल R, ये यहाँ अटैक करेगा O के साथ कौन चला जाएगा MGX। अब इस में आप एसिडिफाइड वाटर डाल दें तो क्या होगा MgOH और X के साथ निकल जाएगा, वाटर का H इसको मिल जाएगा OH इसको मिलेगा, तो OH यहाँ आ गया और Mg के साथ कौन जाएगा MgX तो है ही और OH ये चला जाता है अलग से। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, ये रिएक्शन आगे जाके बायोमोलिक्यूल्स में भी आती है जिसमें हेमी एसीटल की फॉर्मेशन होती है और एसीटल्स की RCO R-OH मीन्स एसीटल कब बनेंगे जब अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, तो ये बॉन्ड फिर से वैसे ही टूटने वाला है, इसमें कहाँ से टूटेगा ये यहाँ से, ये H पॉजिटिव OR वाला क्या है नेगेटिव, तो OR वाले का यहाँ आपने अटैक करवाया तो ये OR- यहाँ जुड़ गया और O के साथ कौन आ गया ये H पॉजिटिव आया तो OH, ये जो चीज़ बनी है इसका नाम है हेमी एसीटल। अब इसमें फिर R-OH आप मिलाएंगे तो क्या होगा, ये जो R- है ये आ जाएगा यहाँ पे H और OH H2O यहाँ से चला जाएगा और इस तरह से फिर कम्प्लीटली एसीटल की फॉर्मेशन होती है। कीटोन्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कीटल्स नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है तो कीटोन्स क्या बना लेते हैं कीटल्स बना लेते हैं। एडिशन रिएक्शन में लास्ट अपना दे रखा है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो अमोनिया ये डेरिवेटिव जेड क्या है जैसे अल्काइल ग्रुप है एराइल है कुछ भी यहाँ पर ऐड हो सकता है, तो इसमें मैकेनिज्म वगैरह कुछ है नहीं, सीधा आपको याद रखना है जितनी भी रिएक्शन है सब में आपको H2 मिलेगा, जैसे अमोनिया है तो यहाँ H हो जाता यहाँ H2 हो जाता, तो सीधा इस H2O को यहाँ से निकाल दो, नाइट्रोजन को यहाँ लगा के जोड़ दो, ये प्रोडक्ट आपका आएगा हर एक केस में। जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है ये क्या है अमोनिया है ऊपर NH3,
तो H2 मैंने ऐसे लिख दिए हैं, H यहाँ, तो ये H2 और ये ऑक्सीजन, इसको ले जाओ सीधा जोड़ दो NH, इमीन बनेगा इससे, इमाइन भी आप जिसको बोल सकते हो। ये है हाइड्रोजन NH2, तो ये H2 और O ले जाओ, इसको सीधा जोड़ दो, ये बनेगा हाइड्रेजोन। नेक्स्ट है फिनाइल हाइड्रेजीन, इसका H2 और ये O ले जाओ, इस नाइट्रोजन को सीधा यहाँ जोड़ो, तो NNHC6H5, ये प्रोडक्ट बनेगा फिनाइल हाइड्रेजोन। ये जीन है, वो जोन है। नेक्स्ट है 2,4 डाई नाइट्रो, एक 2 के ऊपर है एक 4 के ऊपर, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल, ये रहा हाइड्रेजीन, तो इसमें भी ये H2 और ये O लेके जाओ, इसको सीधा जोड़ दो, N फिर H N और ये बेंजीन रिंग NO2, दो इसके ऊपर हैं, ये बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन। इसी तरह नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH, तो ये H2 और O, H2O निकाल लो, N को सीधा यहाँ जोड़ोगे NOH, ये बनेगा, इसको बोलते हैं ऑक्साइम। नेक्स्ट है जैसे RNH2, सीधा अमीन दे दिया आपको, तो ये H2 और ये O, इसको निकालो और N और R सीधा यहाँ डबल बॉन्ड से आप N को जोड़ देंगे, ये बनेगा शिप्स बेस, ये सब्स्टिट्यूटेड अमीन है एक किस्म से आपका। फिर है सेमी कार्बेजाइड NH2HNCONH2, तो ये H2 और O को निकाल दो, सीधा C डबल बॉन्ड N HNCONH2, सेमी कार्बोजोन की फॉर्मेशन इसमें होती है। एल्डिहाइड कीटोन्स की नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इनके रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कोहल्स बनते हैं, तो रिडक्शन एल्कोहल्स बन सकते हैं या फिर इनसे क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन्स बन सकते हैं। RCHO एल्डिहाइड है, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, LiLH4, ये फेमस रिएजेंट हैं, रिडक्शन करवाने के काम आते हैं। किसी का भी आप यूज़ करोगे तो एल्डिहाइड से आपके पास आएगी प्राइमरी अल्कोहल, और अगर कीटोन्स का आप रिडक्शन करवाते हो इन्हीं की प्रेजेंस में तो आपके पास क्या आएगी, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये था जब एल्कोहल में रिडक्शन हो रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स का। अब हाइड्रोकार्बन्स में तो दो नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे एल्डिहाइड का है कीटोन का है, ये भी है। अगर जिंक अमलगम मरकरी के साथ मिला दिया, यानी कि जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl इनकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, रिडक्शन होता है इसका, ऑक्सीजन चला जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में आप करवा रहे हो तो इसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन, नेम रिएक्शन है। इसी तरह अगर पहले आप इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओ क्या होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, H2 जहां भी दिखाई देगा H2 और O को निकाल दो, सीधा N को यहां से जोड़ दो, ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आएगा, फिर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर दो तो क्या होगा, N2 को यहाँ से निकाल दो, H2 यहाँ रह जाएगा, तो CH2। अगर इस तरह से, यानी कि पहले हाइड्रोजन और फिर KOH इथाइलिन ग्लाइकोल, ऐसे आप करवाते हैं तो इस नेम रिएक्शन का नाम है वोल्फ किशनर रिडक्शन। इनकी नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, एल्डिहाइड बड़ा इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं, किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे नाइट्रिक एसिड है यानी कि HNO3 या KMnO4 है पोटाशियम परमैंगनेट या फिर K2Cr2O7 है पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन्हीं की प्रेजेंस में एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कीटोन्स इस मामले में थोड़े से अलग हैं रिएक्टिविटी में, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, प्लस टेम्परेचर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा कीटोन्स बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अंडर एलिवेटेड टेम्परेचर। जैसे कि ये कीटोन मैंने लिखा है RCH2, ये वन कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो यहाँ पर मिक्स प्रोडक्ट आपके पास आएंगे। एक पोजिशन ये हो सकती है कि यहाँ से वन और टू कार्बन टूटें, तो एक बार ये बनाएंगे आप, ये R है ध्यान करना, ये R- है, तो एक बार तो ये बनेगा COH, यानी कि RCOH और ये बचा हुआ R-CH2COOH, तो ये लिखा RCOH R-CH2COH, और जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये बनेगा R-COH, एक कार्बन बच गया R- के साथ, तो R-COH और फिर R के साथ ये बनेगा RCH2COH, इस तरह से मिक्स प्रोडक्ट बनते हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि गिव वन और टू टेस्ट
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो कैसे पता लगाएंगे, ये ऑक्सीडेशन बेस रिएक्शन ही है, टोलन्स टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन, इनसे हम पता लगा सकते हैं। एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, कीटोन्स इसके प्रति रिएक्ट नहीं करते हैं। पहला जैसे टोलन्स टेस्ट है, तो टोलन रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ये, एल्डिहाइड इससे रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये टेस्ट देते हैं। उनमें क्या होता है, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर का सॉल्यूशन है, वहाँ पर सिल्वर मेटल बनता है और सिल्वर मिरर बनता है, तो वो अलग से दिखाई देता है, मिरर की तरह चमकेगा सिल्वर मेटल के कारण, तो सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोल देते हैं। कीटोन्स इस टेस्ट को शो नहीं करते हैं। ये रिएक्शन है, ये पूछी जाती है, पिछली बार CBSE का जो फाइनल एग्जाम था उसमें था ये क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन में ही था, बल्कि RCHO प्लस 2AgNH3 होल ट्वाइस ये पॉजिटिव है प्लस 3OH, इट मीन्स ये अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है, इससे क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है RCO माइनस 2Ag, ये सिल्वर मेटल है जिसके कारण सिल्वर मिरर बनता है, H2O है और NH3 है। तो ये टोलन टेस्ट है, मेन तो आपको यही बात याद रखनी है कि एल्डिहाइड टोलन टेस्ट देते हैं और कीटोन्स नहीं देते हैं, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, एल्डिहाइड सिल्वर मिरर बनाते हैं, कीटोन्स नहीं बनाते हैं। दूसरा है फेलिंग सॉल्यूशन, एल्डिहाइड्स ये टेस्ट शो करते हैं, कीटोन्स शो नहीं करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इसको शो नहीं करेंगे। दो तरह का ये होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट है, इसको बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए, और अल्केलाइन सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जिसको रोशेल साल्ट भी कहते हैं, ये है फेलिंग सॉल्यूशन बी। क्या करते हैं, ए और बी को इक्वल अमाउंट में लो, बराबर मात्रा में उनको मिक्स कर दो, और फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स को इसमें डाल के देखते हैं। तो क्या होगा, एल्डिहाइड में रेडिश ब्राउन PPT आते हैं, कीटोन्स इसको रिएक्ट नहीं करेंगे। RCHO ये रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन आपको लिखनी है अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो। Cu2 पॉजिटिव एल्कलाइन मीडियम है, 5OH माइनस है ये। RCOO इसमें भी कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है, इसमें भी बनता है, Cu2O प्लस 3H2O, तो रेडिश ब्राउन PPT इसके बनते हैं। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर हम आ गए हैं, नेम रिएक्शन है, बार बार एग्जाम में ये जरूर पूछी जाएगी, मतलब ये मानिए आप ये टॉप 5 रिएक्शन में है जो नेम रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि दो बातें यहां पर होंगी, एक तो एल्डोल बनेगा, एल्डोल मींस एल्डिहाइड एंड ओल मींस एल्कोहल, दोनों इकट्ठे होंगे एक ही कंपाउंड में, और कंडेंसेशन का मतलब फिर उसका आप कंडेंसेशन करेंगे, मींस आप उसमें से वाटर निकाल देंगे। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है कि ये उनमें होगी जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन आपके पास होना चाहिए तब ये रिएक्शन होगी। एल्डोल बनेगा और कीटोल बनेगा, मींस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन इसमें बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादातर अल्केलाइन मीडियम में ये रिएक्शन करवाई जाती है। तो पहले नहीं लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अभी साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का आपने ले लिया है ये, प्लस ऐसा ही दूसरा हमने ये ले लिया है, इस बॉन्ड के बारे में पहले से हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, बेईमान है, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे होगा, इसके ऊपर नेगेटिव डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसके ऊपर क्या होगी पॉजिटिव, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ CH3, C इसके ऊपर कर देता हूँ नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव, और इसके साथ कौन बना हुआ है यहाँ पर हाइड्रोजन। अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है, ये मेन ग्रुप है CHO, ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन है, और उस अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, मींस ये अल्फा कार्बन है और इसके ऊपर जितने भी हाइड्रोजन है ये क्या है अल्फा हाइड्रोजन है, तो CH3 है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH2, और H ये क्या करेगा, इसके H पॉजिटिव को यहाँ से भगा देता है, इसके इलेक्ट्रॉन छीन कर H पॉजिटिव को, तो H पॉजिटिव इसने भगा दिया तो इसके ऊपर क्या आया नेगेटिव, तो ये प्लस मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे नेगेटिव, और ये क्या है CHO। अब आप समझ गए होंगे, इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, ये कार्बोनाइल ग्रुप है ऐसे टूटता है तो ये क्या बनता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मान लिया HCN को आप करवा रहे हो, HCN क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
तो ये जो नेगेटिव है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा कहाँ पे, इस पॉजिटिव वाले के, और एच कहाँ पहुँचता है, यहाँ। बिल्कुल सेम रिएक्शन अब ये यहाँ हो गई है, इसको कहाँ करवाओगे, यहाँ अटैक करवाओ, इसको कहाँ करवाओगे, जो एच पॉजिटिव अपना था, ये तो माइनस वाला नहीं, इसको यहाँ करवाओ, एच यहाँ पहुँचेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बना अब अपने पास, ये है CH3, ये क्या है CH, इसके ऊपर क्या आया OH, CH है, एच पॉजिटिव आएगा तो OH, मैं अब सीधा लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे अटैक इसने किया कहाँ पे, इस पे, तो यहाँ पे क्या, इसके आगे सीधा लिख रहा हूँ मैं CH2 और CHO। अब इस कंपाउंड को आप देखिए, ये क्या है एल्डिहाइड, ये क्या है एल्कोहल, दोनों चीज़ें हैं, ये एल्डोल है, इसको एल्डोल कहा जाता है, लेकिन अभी कंडेंसेशन नहीं हुआ है, ये एल्डोल है, नाम क्या था एल्डोल कंडेंसेशन, इसको आप क्या कर देंगे, वहाँ जगह नहीं मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हीट कर दें आप। तो याद रखना है ये जो हाइड्रोजन आपका जाता है ना, ये इस अल्फा कार्बन का जाएगा, ये याद रखना आपको हमेशा, अल्फा कार्बन का जाएगा, यही कारण है कि फिर हाइड्रोक्सी बीटा के ऊपर बना हुआ मिलेगा आपको, यहाँ भी है देखिए, ये मेन है फंक्शनल ग्रुप, इसका कार्बन नहीं क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे जुड़ा, ये क्या है अल्फा कार्बन, ये क्या है बीटा, बीटा के ऊपर कौन है OH, इसीलिए तो कहा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, और अल्फा का क्या जाता है हाइड्रोजन जाता है। अब इसका तो हाइड्रोजन चला जाएगा अल्फा कार, इसका कौन जाएगा OH, तो इसका OH और इसका H जाएगा, तो देखो क्या बनगा CH3, ये CHOH चला गया, यहाँ बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये इसका H चला गया तो CH, और ये क्या है CHO, ये प्रोडक्ट है एल्डोल कंडेंसेशन का, पहले एल्डोल बनता है फिर क्या बनता है कंडेंसेशन। देखो अब आपको सीधा याद ये रखना है, एक मिनट दोस्तों फिर से ध्यान देना, CH3CHO, ऐसा ही दूसरा कौन है CH3CHO, ये तो मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि माइनस है ये प्लस है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, यहाँ आके अटैक करेगा। अब सीधा ये तो मैकेनिज्म होगा, सीधा आपको क्या याद रखना है, ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका हाइड्रोजन जाएगा, मींस यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, ये ऑक्सीजन टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाला है, तो सीधा आप इसको ऐसे जोड़ेंगे CH3CH, इसके ऊपर कौन आएगा OH, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो नेगेटिव आना है, OH बनना है यहाँ पे, और फिर सीधा यहाँ इसका H जा चुका होगा तो ये क्या बनेगा CH2CHO, ये तो एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। अब फिर इसका H और इसका OH आप निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा डबल बॉन्ड, वो फिर हो जाएगा कंडेंसेशन, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन इसी का पार्ट है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, उसमें क्या होता है, इसमें तो हमने सेम मॉलिक्यूल लिए हैं, उसमें डिफरेंट होते हैं, तो देखते हैं उसके प्रोडक्ट कैसे आएंगे, मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट आता है उसमें, क्रॉस मीन्स ये अलग अलग है आपकी बार, ये जैसे एसिटल्डिहाइड है और ये तीन कार्बन वाला ले लिया हमने प्रोपेनल, तो इनको करना हमने, तो इसमें क्या होगा मिक्स प्रोडक्ट आएंगे, मिक्स का मतलब एक बार इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, फिर दो इसके मिलेंगे, फिर ये और ये मिलेगा, और फिर ये और ये मिलेगा। अब बुक में ये चारों इकट्ठे करके दे रखे हैं, मैं आपको अलग अलग से समझा देता हूँ, यहीं पर कन्फ्यूजन होता है, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। मैं इनको लिख रहा हूँ पहले, इसको ले रहा हूँ केवल CH3CHO प्लस CH3CHO, मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, यहाँ से क्या होगा ऑक्सीजन ऊपर होगा नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये जो है अल्फा, ये जो है अल्फा कार्बन, ये देखना होता है, इस पे नेगेटिव आएगा, ये यहाँ पे आके लगेगा, तो क्या बनेगा देखो CH3CHOH, इसका ये अंजाम होता है, यहाँ का हाइड्रोजन जा चुका होता है क्योंकि यही तो यहाँ आएगा OH के पास, और ये क्या मिलेगा फिर CH2CHO, ये है एल्डोल प्रोडक्ट। फिर आप क्या करेंगे, ये अल्केलाइन मीडियम में आएगा NaOH है जैसे, फिर आप इसका H2O निकालेंगे, किसका H इसका OH इसका, तो क्या आएगा CH3CH डबल बॉन्ड, ये दोनों चले गए तो एक बॉन्ड आएगा, इसका एक H जा चुका तो क्या है CH और CHO, ये है पहला प्रोडक्ट। अब इसके दोनों मॉलिक्यूल मिला लेते हैं CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO, देखो यहाँ पर गलती होती है, जागना दोस्तों एक बार। अब यहाँ पर जो है इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी वाला काम इसके ऊपर करते हैं CH3CH2, यहाँ पर क्या होगा CH और OH,
यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस प्लस। और अब कई बार क्या करता है, कई बच्चे यहाँ से अटैक करवा देते हैं, जबकि क्या है हाइड्रोजन किसका जाता है, अल्फा कार्बन का, मींस ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे माइनस आएगा इस पे, तो इसको लेकर के आके यहाँ पर हमने जोड़ना है, ये ध्यान रखना आपको। तो इसको लेके यहाँ अगर मैं आता हूँ तो हाइड्रोजन इसका जा चुका था, ये क्या है सी एच, आगे क्या है सी एच ओ, और इस सी एच के ऊपर कुछ रह तो नहीं गया, ये बच गया साइड में, इसको यहाँ लटका दो सी एच थ्री, ये एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या करेंगे, अब आप इसको हीट करेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका ओ एच और इसका ये क्या एच, ये जाएगा तो क्या बनेगा सी एच थ्री सी एच टू, ये क्या है सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच ओ, और इस सी एच के ऊपर कौन है सी एच थ्री, ये है दूसरा प्रोडक्ट। आगे देखिए, गलती नहीं करनी आपको, दो मॉलिक्यूल इसके आपस में हो गए, दोनों इसके आपस में भी हो गए, अब ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ आपस में, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, गौर फरमाइएगा, सी एच थ्री सी एच ओ प्लस, ये ले रहा हूँ सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या करेंगे सी एच थ्री, यहाँ पर क्या है सी एच ओ एच, आपके पास कौन यहाँ से अटैक करवाएंगे आप, क्योंकि हाइड्रोजन इसका जाएगा अल्फा कार्बन का, तो यहाँ से अटैक करवाएंगे, यहाँ आएगा सी एच सी एच ओ, और सी एच के ऊपर और कौन है, ये रहा सी एच थ्री, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, हीट करेंगे क्या चला जाएगा, वाटर कहाँ से जाएगा ओ एच इसका एच इसका, क्या आया सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इसके ऊपर कौन है सी एच थ्री और सी एच ओ, ये है प्रोडक्ट नंबर तीन। अब अगर इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ प्लस, अब इसको लेके आते हैं सी एच थ्री सी एच ओ, इसको इधर कर दिया मैंने, अब क्या होगा यहाँ पर आपका ओ एच बनेगा और यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, तो यहाँ माइनस का है, फिर ये इसके ऊपर आके अटैक करेगा, तो यहाँ क्या हुआ सी एच थ्री सी एच टू, ये क्या है सी एच के ऊपर ओ एच, ये यहाँ से अटैक करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन तो जा ही चुका है, यहाँ आ गया था सी एच टू सी एच ओ, ये है एल्डोल प्रोडक्ट, इसको आप गर्म करेंगे तो ओ एच ये और एच इसका, तो आपके पास आएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड, ये भी सी एच और सी एच ओ प्रोडक्ट फोर। इस तरह क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपके पास क्या आएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आते हैं। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। ये सबसे ओल्डेस्ट टाइप के कंपाउंड्स हैं जो सबसे पहले बनाए गए थे, यही कारण है कि इनके कॉमन नेम जो है वो ज़्यादा प्रचलित हैं, जो आज तक भी हैं, आयुपैक नेम से भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, और बार बार एग्जाम्स में आपसे उन्हीं के नाम से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आयुपैक के बहुत कम चांस हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये तो बातें आपको पता ही है, RCOH ये ग्रुप है, ओइक एसिड इसका सफिक्स है, इसके रूप में ये खत्म होता है आयुपैक नेम में, तो HCOH का नाम फॉर्मिक एसिड यही एग्जाम में आएगा डायरेक्ट, यानी कि आयुपैक तो क्या होगा, इसका कार्बन गिनते हैं, एक कार्बन है तो उतने का अल्केन लिखते हैं मिथेन, फिर उसके लास्ट में जोड़ते हैं ओइक एसिड, तो इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, लेकिन ये याद रखना है फॉर्मिक एसिड के नाम से ये जाना जाता है, क्यों, क्योंकि रेड एंड्स जो हैं उनसे ये बनाया गया था, ग्रीक वर्ड है तो उनसे बनाया, तो इसका नाम रख दिया फॉर्मिका, मीन्स होता है एंट्स चींटी। इसी तरह सी एस थ्री सी ओ एच, वैसे अगर इसका नाम देखा आयुपैक तो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथेन और इस सी ओ एच ग्रुप के लिए ओइक एसिड, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड, लेकिन इसका फेमस नाम है एसिटिक एसिड, ये एसीटम से बना है, एसीटम मीन्स विनेगार, विनेगार जो होता है सिरका जो होता है प्रिजर्वेटिव होता है एक टाइप का, उसमें ये पाया जाता है, तो ये नाम रख दिया। इसी तरह जो रेंसिड बटर है, यानी कि जो खराब हो जाता है वो बटर, उसके बेस के ऊपर इसका नाम रख दिया ब्यूटायरिक एसिड, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच, फोर कार्बन का है, अगर आयुपैक लिखना चाहेंगे तो एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो ब्यूटेन और ओइक एसिड, यानी कि ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह इनके आयुपैक नेम मान लिया आपसे पूछ लिए जाएं, तो जहां मेन फंक्शनल, देखो SO3H सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, दूसरा नंबर COH का है, तो SO3H कम यूज होता है, तो ये मानिए यही सबसे बड़ा चौधरी है इस ग्रुप में ऑर्गेनिक में अपने,
तो यहीं से गिनती हम स्टार्ट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, ये चार कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटेनोइक एसिड रहने वाला है। 3 के ऊपर मिथाइल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, पहले लिखा जाएगा 3-methyl 4-carbon के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका IUPAC नेम है। इसका नाम लिखना हो मेन ग्रुप यही है 1, 2, 3, तो प्रोपेनोइक एसिड है, 2 के ऊपर क्या है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-bromopropanoic एसिड। ये जो है कॉमन नेम जरूर याद रखना है, ऑक्सैलिक एसिड है ये। अगर IUPAC आप बताना चाहें तो ये क्या है, 2 कार्बन है तो इथेन, और 2 हैं तो इथेन डाइओइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, लेकिन ज़्यादा ऑक्सैलिक एसिड ही चलता है। इसी तरह CH2CH, ये है कॉमन नेम क्या है, मेलोनिक एसिड। अगर इसका IUPAC लिखना है तो 1, 2, 3 होगा, तो प्रोपेन 1, 2 डाइओइक हैं, तो 1, 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, दोनों को बराबर आपको वेटेज देनी है, तो आप लिखेंगे प्रोपेन डाइओइक एसिड। इसी तरह COH CH2 CH2 और COH, 1, 2, 3, 4, तो ब्यूटेन 2 ओइक हैं तो डाइओइक एसिड। फेमस नेम है सक्सेनिक एसिड, अगर ये CH2 ग्रुप 3 हो जाएं COH COH, तो यह है ग्लूटेरिक एसिड। अगर इसका IUPAC लिखना चाहेंगे तो 3 तो ये हो गए, 4, 5 तो पेंटेन डाइओइक एसिड। इसके बाद ये पॉलीमर्स में भी आता है, नाइलॉन 6-6 जो अपना है उसकी ये मोनोमर यूनिट है एडिपिक एसिड, तो क्या है CH2 चार बार दोनों तरफ COH, तो इसका नाम हेक्सेन डाइओइक एसिड, तो है ही फेमस क्या है एडिपिक एसिड। बेंजीन के ऊपर COH है तो क्या है बेंजोइक एसिड। इसी तरह बेंजीन के ऊपर CH2COH है, गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पर ये मेन ग्रुप अब बेंजीन के ऊपर नहीं रहा तो ये क्या है 2 कार्बन है, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया है। अब ये है इथेनोइक एसिड, गिनती यहीं से करेंगे, दूसरा कार्बन अब ये बेंजीन नहीं रहा दूसरे कार्बन पर, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा तो इसको कहेंगे फिनाइल, तो इससे पहले लिख देंगे 2-phenyl, यह है 2-phenyl इथेनोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर 2 है COH, थैलिक एसिड ये भी है पॉलीमर्स में, टेरी थैलिक एसिड के नाम से आता है, टेरिलिन का ये क्या है मोनोमर है, तो फर्क इतना है ये बेंजीन के ऊपर लगातार दोनों COH हैं, थैलिक एसिड है, एक कार्बन छोड़ के यहाँ लगा दूँ तो आइसोथैलिक एसिड है, और अपोजिट आमने सामने हो तो टेरी थैलिक एसिड है, फिलहाल ये थैलिक एसिड है या बेंजीन डाइओइक एसिड। इसके बाद कई बार बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये है RCOOH, तो आपको पता है कि रेजोनेंस होती है इसमें, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा यानी कि ये टूट जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये नेगेटिव है, ये क्या होगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को देखते ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसकी मदद करेगा, ये यहाँ आएगा पॉजिटिव कैंसिल करने के लिए, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है ही, अब ये पॉजिटिव कैसे कैंसिल होता है ये आगे की बात है, ये हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा इसलिए तो ये एसिड है एच पॉजिटिव के रूप में, और इसका ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर ये जो नेगेटिव है ये एक बार यानी कि ऐसे घूमता रहेगा, ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा, ये बॉन्ड आधा आधा दोनों के बीच में, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इसकी फाइनल जो है। तो रेजोनेंस होता है आपको याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एच पॉजिटिव जाने के बाद कार्बोक्सीलेट आयन बचता है वो फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आता है, उसके पास भी रेजोनेंस है। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की, बहुत ही आसान से मेथड्स हैं, बार बार पहले आ चुके हैं, कोई खास बात इनमें नहीं है, तो 6 मेथड्स मेंशन है एनसीईआरटी में जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से तैयार कर सकते हैं, पता नहीं कितनी बारी रिएक्शन आ चुकी है, ये जैसे प्राइमरी अल्कोहल है एल्केलाइन के MnO4 आप इसके ऊपर डाल दें, जितने कार्बन का अल्कोहल है उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। दूसरा है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स, ये आपको जरूर याद रखना कन्वर्जन में, ये आपके बहुत काम आएगा, जैसे ये मिथाइल बेंजीन है KMnO4 और KOH एसिडिक एल्केलाइन न्यूट्रल जैसा आप चाहें वैसे मीडियम में रिएक्ट करवाएं, तो क्या होगा KMnO4 ये जो CH3 है यहाँ का ये किस में पहले चेंज होता है COOK यानी कि पोटेशियम का साल्ट, और फिर हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा COOH। इसमें खास बात जो याद रखनी जहाँ पर गलती हो सकती है वो ये है कि ये चेन कितनी ही लंबी हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन वाला COOH बनेगा चाहे यहाँ कितने भी हों, जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है लेकिन COOK और ये बेंजोइक एसिड ऐसे ही बनता है।
फिरेनाइट्राइल्स और अमाइड से, वो नेक्स्ट में देखते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड्स, फ्रोमेस्टर्स, यह आसान सा है, जगह है यहीं पर लिख देते हैं। एस्टिफिकेशन की रिएक्शन हमने क्या पढ़ी थी, एस्टिफिकेशन 9th-10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को जब आपस में मिलाते हैं तो यहाँ से OH आता है और यहाँ से H, यहाँ से H नहीं आता, हालांकि है ये एसिड, लेकिन यहाँ से OH आता है, यहाँ से H आता है, तो फिर क्या होता है, ये एस्टर्स बनते हैं, H2O यहाँ से निकल जाता है। उसका उल्टा कर दो आप, ये अपने पास है, इसमें आप H2O मिला दो, H2O मिलाओगे तो आपके पास एसिड और एल्कोहल मिलेंगे। अब देखते हैं बचे हुए मेथड्स। अब है नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स, आपको याद रखना है नाइट्राइल्स मीन्स CN, तो इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे आप H पॉजिटिव या OH नेगेटिव, यानी कि एसिड या बेस कैटलिस्ट का काम करेंगे, तो इससे पहले आपके पास आएगा RCONH2, इसके बाद इसका फिर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर क्या होगा, NH3 अलग चला जाएगा, मीन्स H इसको दे दो, OH यहाँ पर लगा दो, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जब आप इनको हीट करेंगे। नेक्स्ट है, जैसे बेंजीन के साथ CONH2 है, H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर रखा है और इसको हीट कर रखा है, तो फिर वही करेंगे आप, H इसको दे दो, NH3 चला जाएगा, OH यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, बेंजोइक एसिड आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, कई बार आ चुका है पहले, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CO2 के साथ, तो RMGX ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये CO2 है, C का डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ही इसके साथ, ड्राई आइस जो है ये सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस बोलते हैं इसको, तो फिर वही बात है, ये बॉन्ड जैसे टूटेगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये यहाँ से टूटेगा तो मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है ये तो इस नेगेटिव O के ऊपर अटैक करवा दिया हमने, R है ये कार्बन के साथ जोड़ दिया, ये ऐसा कैसा है। अब इसका इलाज आपको पता है क्या करेंगे, वाटर के साथ मिलाओ, तो ये यहाँ से टूट के ये पॉजिटिव पार्ट जाएगा, यहाँ से OH तो ये ले जाएगा, यानी कि MgOH और X, और वाटर का H पॉजिटिव यहाँ इसके साथ आप देंगे तो ये RCOOH, इस तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आखिरी मेथड है फ्रॉम एसाइल हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स, इनकी मदद से, जैसे ये एसाइल हैलाइड है RCOCl, H2O है, फिर वही करना है, H और Cl को भेज दो, OH को यहाँ लगा दो, तो RCOH और HCl, मैकेनिज्म इनका है नहीं अपने सिलेबस में। RCO, R-CO दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड, यानी कि एनहाइड्राइड है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम होंगे तो सेम दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, यहाँ पर जैसे हमने अलग किए हैं, R और R- है, तो H2O है, यानी कि H और OH है, तो RCOO इसको तो H दे दो आप, तो RCOOH बन गया, जैसे इसको आप OH देंगे तो R-COOH, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर होते हैं। आसान से मेथड से बहुत बार है ये आए हुए थे ऐसे मेथड से। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल स्टेट में जो लोअर मेंबर्स हैं, यानी कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम्स, वो कलरलेस लिक्विड हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की बात करेंगे तो ये वैक्स लाइक सॉलिड्स होते चले जाएंगे। सोल्युबिलिटी की बात करें तो जो लोअर मेंबर्स हैं वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जल्दी जल्दी ये बनाते हैं। हायर मेंबर्स की आप बात करेंगे तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे इनकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाइड्रोकार्बन से भी, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी इनके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी एक विशेष प्रॉपर्टी है डाइमर फॉर्मेशन की, मीन्स दो दो यूनिट इकट्ठी हो जाती हैं, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। जैसे ये देखिए, ये मैंने लिखा RCOOH, ये एक यूनिट है, ऐसा ये दूसरा है RCOOH, अब ये O और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए, डाइमर फॉर्मेशन इसने की है, जिसके कारण इसके बॉयलिंग मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस की और एसिडिक नेचर की। इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो 3 टाइप्स की होंगी। एक तो जब O और ऑक्सीजन, यानी कि O और H, ये अपने पास है RCOOH, तो एक तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तब,
फिर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड, और फिर एक जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होगा, वो रिएक्शंस। तो सबसे पहले टाइप की रिएक्शंस हम पढ़ते हैं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटता है, उसके कारण क्या है। तो इसके कारण जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ से मिलेगा आपको एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव जो छोड़ते हैं उनको एसिड्स बोलते हैं, अरहीनियस, पुराना और फेमस कॉन्सेप्ट एसिड्स का। तो यानी कि इसके बेस पर इनकी एसिडिक नेचर एक्सप्लेन होती है। जैसे सबसे पहले मेटल्स और अल्कलीज के साथ ही रिएक्ट करते हैं, जैसे RCOH है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आपको Na दिया जाए, NaOH, NaHCO3, Na2CO3 कुछ भी दें, यहाँ से H पॉजिटिव चला जाता है, इसकी जगह मेटल जो है Na ये आ जाता है, ये रिएक्शन होनी है। अब सपोज इसके साथ रिएक्शन है तो क्या होगा, इसके साथ साथ H2O और CO2 भी चला जाएगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट यही रहेगा आपका। अब जैसे कि ये एक pKa के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसमें थोड़ा बहुत देखो क्या चीज़ होती है, RCOOH plus H2O। तो क्या किया, इसकी आदत है H पॉजिटिव देने की, ये एसिड है, इसने H पॉजिटिव दिया तो ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, जिसमें के फिर रेजोनेंस है, जैसे ये है रेजोनेंस है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज होते हैं। ये कार्बोक्सिलेट आयन है प्लस H पॉजिटिव, इस वाटर ने लिया तो ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। अब यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो उसका क्या तरीका होता है, जैसा कि हमने केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में पढ़ा, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनकी गुणा करो और फिर उसको डिवाइड करते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन है, ये, तो ऊपर मैंने लिख दिया है ये और ये, इनकी गुणा कंसंट्रेशन की, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, कंसंट्रेशन, और फिर ये और ये। अब ये जो H2O है इसको आप इसके साथ गुणा करवा दें, मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये आएगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या होगा, अब H2O यहाँ आ गया तो दोनों ये और नीचे बच गया ये, यानी कि ये बचा ये Ka। अब ये जो Ka है, जैसे हम pH निकालते हैं, pH का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसके बराबर है, माइनस लॉगरिथम हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, ठीक उसी तरह pKa है, किसके बराबर है, pKa इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम Ka। अब जो यहाँ पर याद रखने की बात है, ये भी याद रखने की है, ये आपको ज़रूर याद रखना है, जितनी pKa की वैल्यू कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे HCl की है तो ये क्या है, -7.0, यानी कि -7 ये होती है pKa वैल्यू, तो जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। स्ट्रोंग एसिड्स की pKa के की जो वैल्यू है वो 1 से कम आती है, अगर 1 से 5 के बीच में आए तो आप कहेंगे कि उनकी स्ट्रेंथ कैसी है, मॉडरेट है, मीडियम दर्जे के हैं वो, 5 से 15 तक आए तो वीक एसिड्स हैं, अगर 15 से भी ज़्यादा आपकी वैल्यू आए तो इसका मतलब जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा वीक है, एक्सट्रीमली वीक एसिड है। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का देखो एक ही प्रिंसिपल है जिसकी भी आपसे कंपेयर करवाए, जहाँ पर H पॉजिटिव जल्दी से छोड़ा जाएगा वो अच्छा एसिड है, जो H पॉजिटिव जल्दी नहीं छोड़ेगा वो अच्छा एसिड नहीं है। जैसे आपसे ये पूछ लिया, ये फॉर्मिक एसिड, यह एसिटिक एसिड, यानी मिथेनोइक इथेनोइक, तो देखो इसमें क्या है, HCOOH, और ये क्या है, CH3COOH, तो लड़ाई किस बात की है, ये H पॉजिटिव आपको जल्दी मिलेगा या नहीं। CH3 क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, मींस ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, तो जैसे ही ये इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो फिर ये H पॉजिटिव को जल्दी नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा, तो ये कम एसिडिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन का तो कुछ कुछ माइनस आई इफेक्ट होता है, ये तो खींचेगा, खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की पावर, यानी कि जो नेगेटिव पावर है वो कम है, अगर नेगेटिव कम है तो H पॉजिटिव यहाँ से, यानी कि ये बॉन्ड कमज़ोर पड़ेगा, उससे कमज़ोर पड़ेगा तो H पॉजिटिव आपको जल्दी मिलेगा। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है किसकी बजाय, एसिटिक एसिड की बजाय। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल की जैसे आपसे कंपेयर करवा लेते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो इसमें क्या बताएंगे हम कि एल्कोहल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनकी बजाय तो
एल्कोक्साइडाइन, यानी कि जब एल्कोहल एच पॉजिटिव छोड़ देगा। तो देखो, जब भी हमने एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है तो एक बात का और भी ख्याल रखना होता है कि एच पॉजिटिव छोड़ दिया वो एसिड है, लेकिन उस एच पॉजिटिव के जाने वाले के बाद, एच पॉजिटिव चला गया, इसके बाद जो बच गया वो भी स्टेबल होना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए। अगर वो खुश नहीं होगा तो एच पॉजिटिव को जाने ही नहीं देगा। तो यहाँ पर जाने के बाद जैसे आर ओ एच है, तो एच पॉजिटिव गया तो क्या बचा, ये एल्कोक्साइडाइन, ये स्टेबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें। और आर सी ओ एच में क्या हुआ, देखो आर सी ओ ओ एच, यहाँ से आपने एच पॉजिटिव को भेज दिया तो क्या बना, आर सी ओ ओ नेगेटिव, एच पॉजिटिव यहाँ से चला गया। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन है, अब ये जाने के बाद भी खुश है, स्टेबल है, क्यों, क्योंकि डबल से नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव वाला लोन पेयर आता है तो क्या होता है, रेजोनेंस। ये आपको जरूर याद रखनी है, डबल से नेक्स्ट पर नेगेटिव है तो रेजोनेंस करेगा, मींस ये यहाँ पर आएगा, बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर सी ओ यहाँ माइनस, यहाँ डबल लोन, यानी कि ये ऐसे घूमता रहेगा जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों के बीच में, डीलोकलाइजेंस, डबल बॉन्ड एक जगह पर नहीं रुकता, घूमता रहता है, इसी का नाम तो रेजोनेंस है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन। तो ये अब भी खुश है, घूम फिर रहा है, पिकनिक कर रहा है, इसे कोई दिक्कत ही नहीं, एच पॉजिटिव बेसिक जाओ। तो क्या हुआ, ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये कार्बोक्सिलेट आयन एच पॉजिटिव जाने के बाद भी स्टेबल है। फिर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को कंपेयर करवाएं तो फिर ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि फिनोल में फिर वही बात है, फिनोक्साइड आयन आएगा, लेकिन उसकी बजाय ये फिर ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि फिनोल्स वगैरह तो एसिड जैसे हैं, क्योंकि प्योर एसिड थोड़ी हैं, ये एच पॉजिटिव छोड़ देंगे किस लिए, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस के कारण, लेकिन ये तो एसिड जैसे हैं, ये खुद एसिड हैं, ये जैसे नहीं, ये तो एसिड ही हैं, तो ये जो है ज़्यादा एसिडिक है। अब जैसे कि देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विड्राइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा, अलग अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, खींच लेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, कम होगी तो एच पॉजिटिव को कमज़ोर पकड़ पाएगा, कमज़ोर पकड़ेगा तो वो भाग जाएगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप आप लगाते हैं ना तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और डोनेटिंग लगाएंगे तो क्या होगा, घटती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर देखिए सी ओ एच है, ये भी चलिए सी ओ एच है, यहाँ पर सी एच थ्री कैसा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, ये इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ेगा तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इस पर नेगेटिव बढ़ेगा तो एच पॉजिटिव को नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा तो ये वीक एसिड होगा। इसमें सी एल, सी एल का कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ऑक्सीजन के इनके सबके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, अपनी तरफ इसने सरका लिए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बच गई, क्योंकि इस तरफ आ गए वो तो एच पॉजिटिव यहाँ से जल्दी निकल के भागेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इससे कमज़ोर है अगर कंपेयर करवा जाए तो। फिर हैलोजन अलग अलग, तो वहाँ पर देखो ये कॉमन है सब में, ये रहा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये ऐसे लिए हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो ये सबसे पहले छीनेगा तो एच पॉजिटिव यहाँ सबसे जल्दी मिलेगा आपको, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। इसी तरह अगर इनकी संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे कि सी ओ एच है, थ्री सी एल हैं, तीन सी एल हैं, तो बहुत ज़्यादा खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन को, माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम बचेगी तो एच पॉजिटिव बहुत जल्दी यहाँ से आपको मिलेगा। दो हैं तो इससे कम है, एक है तो इससे भी कम। इसके बाद अगर इनकी बात करें हम, ये बहुत सारे जैसे दे रखे हैं, किसी को भी पकड़ के आपको दे सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर करवा लें किसी को भी, तो NO2 का सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो H पॉजिटिव यहाँ सबसे जल्दी मिलने वाला है आपको। फिर Cl का भी माइनस आई इफेक्ट है, दोनों के देखो माइनस आई हैं तो हम कंपेयर करेंगे, NO2 बहुत ज़्यादा होता है, हैलोजन इससे कम है, तो फिर ये है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर डोनेटिंग है, डोनेटिंग मीन्स इसका जाना मुश्किल है अब यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा ये है, इसके ऊपर कोई नहीं था इससे, तो ये भी कम एसिडिक है। अब OH का और भी ज़्यादा डोनेटिंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा तो H पॉजिटिव बिल्कुल आपको बहुत देर से मिलेगा। तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ हम बता सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक स्पेशल एक्सेप्शन यहाँ है, ऑर्थो इफेक्ट। अगर आपके पास ऑर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है ग्रुप,
चाहे वो बेसिक डोनेटिंग है, वो दूसरों के बजाय ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड आर यूजुअली स्ट्रोंगर एसिड्स देन अदर। जैसे ये है, यहाँ पर ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मेटा है, तो ये सबसे ज़्यादा होगा ये, और पैरा वाला इससे भी कम होगा। ये एसिडिक नेचर के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं हमेशा। नेक्स्ट है ऐसी रिएक्शंस जिनमें कार्बन ऑक्सीजन ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो ये तो कुछ तो फेमस आई जैसे PCl5, PCl3, SOCl2, ये तो हमने पहले याद कर रखा है, यहाँ को बताने की ज़रूरत भी नहीं थी कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के दुश्मन होते हैं, वहाँ से तोड़ देते हैं। जैसे RCOH है तो तुरंत तोड़ेंगे, PCl5 है, एक Cl इसको दिया, एक इसको दोगे, एक ऑक्सीजन और क्या बचेगा, POCl3। ये जैसे एलो एल्केन्स में क्या था वो, कि वो बात यहाँ पे है, RCOCl, एक Cl इसको दिया आपने, एक HCl को दिया है, फिर POCl3 ये बचता है। फिलहाल पहली रिएक्शन जैसे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, तो दो मॉलिक्यूल हैं P2O5 की प्रेजेंस में, और यानी कि ये कैटलिस्ट है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, आप हीट करेंगे तो क्या होगा, H2O को आप निकाल दें, H2O को जब आप निकालेंगे तो क्या बच गया, CH3CO, CH3CO, एक ऑक्सीजन से ही आपस में यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो एनहाइड्राइड है। एक और एक दो कार्बन हैं, इस तरफ भी दो हैं, अगर दोनों तरफ बराबर हों तो किसी एक का नाम लिखते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव है। अगर ये अलग अलग होते हैं, सपोज ये होता है HCO और CH3CO, फिर ये जुड़े होते हैं, फिर दोनों के लिखने पड़ते हैं, एक कार्बन है ये मिथेनोइक होता, दो कार्बन है ये इथेनोइक, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तब इसका नाम होता है इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। खैर आगे चलते हैं, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बचपन से आ रही है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो एस्टर बनते हैं जो स्वीट स्मेलिंग होते हैं। विशेष बात आप इसमें याद रखेंगे, वैसे तो CH3COH या RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड है तो इसको एच पॉजिटिव देना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में ये एच पॉजिटिव नहीं देता, OH ये देता है और एच अल्कोहल देता है। एच जब अल्कोहल देता है तब एस्टर्स बनते हैं, तो इसमें ये OH देता है। कारण क्या है, इसमें अल्कोहल का इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कैसे भला, RCOCH ये है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, ये बॉन्ड हमें पता है कैसा है, ये यहाँ पहुँचेगा तो ये क्या बनाएगा, RCO, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या बनाएगा, OH। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो एसिड का है ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये करेगा तो क्या हो जाएगा, RCO ये प्लस है और ये क्या है, एच पॉजिटिव इसको मिला तो माइनस खत्म होगा, OH और OH। वैसे एक कार्बन पर दो OH या तीन OH कभी नहीं होते, उनमें से H2O निकल जाता है, ये बात तो है ही है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, सामने कौन खड़ा हुआ है, R-OH, ये अल्कोहल है, बड़ा दयालु है ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर लोन पेयर हैं, ये कार्बन को दुखी नहीं देख पाता बेचारे को, जैसे ही पॉजिटिव दिखाई देगा यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, साथ साथ में ये आएगा पीछे पीछे पूंछ की तरह, इसको कहेगा भाई कहाँ जा रहे हो, ये तो सबसे कमज़ोर है बेचारा हाइड्रोजन, इसको कोई भी फेंक देता है, तो ये यहाँ से आएगा, इसको कहेगा भाई तुरंत चला जा वापस, तेरी जरूरत नहीं है, तो ये एच पॉजिटिव यहाँ से रिलीज होता है, इसलिए ये यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से फिर H2O जाता रहेगा, तो ये RCOO R- एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ये एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है अमोनिया के साथ रिएक्शन, CH3COH जैसे NH3 के साथ, तो पहले ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, सीधा इसके अंदर मिलाओ आप, तो ये CH3CO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, और फिर इसमें से H2O जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3CO NH2, ऐसे बनता है। बात ये है कि इसमें हमने क्या किया, H तो इसका ले लिया, इसका H लोगे तो क्या बच गया, NH2, और OH ले लो इसका, क्योंकि OH ही तो तोड़ना है हमने, उसी के कारण रिएक्शंस हो रही हैं, ऊपर हेडिंग लिखा है OH इसका रह, इसका H2O चला गया, इसके जाने के बाद क्या बचता है, CO NH2, ये रिएक्शन है। जैसे ये थैलिक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COH, NH3 है, एक से ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, CO NH2, यहाँ भी क्या बन जाएगा, CO NH2, इनमें से NH3 निकाल दो, मींस NH2 और एक का H, तो CO NH बचेगा, ये CO, ये CO NH, इसको बोलते हैं थैलेमाइड।
अब पढ़ते हैं इनके ऐसी रिएक्शन जिनमें सी ओ ओ एच पूरा ग्रुप इन्वॉल्व होता है। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, बहुत बार आई हैं। रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एल्डिहाइड, फिर क्या आएगा, एल्कोहल। हम पढ़ चुके हैं बहुत बार पहले। तो जैसे ही आप एल आई एल एच फोर ईथर इनकी प्रेजेंस में या डाइबोरेन बी टू एच सिक्स इसकी प्रेजेंस में आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल आर सी एच टू ओ एच। याद रहे डाइबोरेन बी टू एच सिक्स, वैसे तो जैसे नाइट्रो है या दूसरे हैं, जब उनका रिडक्शन करता है तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, लेकिन इनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा है रिडक्शन करने के लिए डाइबोरेन। दूसरा है डी कार्बोक्सीलेशन। ये क्या है, कार्बोक्सीलेशन का मतलब होता है सी ओ टू का जुड़ना, डी कार्बोक्सीलेशन का मतलब सी ओ टू का रिमूव होना। तो सी ओ टू जब रिमूव हो जाती है, क्योंकि सी ओ एच में सी ओ टू तो है ही, ये है सी ओ टू, इसका रिमूव होना क्या कहलाएगा, डी कार्बोक्सीलेशन। देखो इससे पहले वाले स्टेप में तो ऐसा होता है, जैसे आर सी ओ एच आपको दिया हुआ है प्लस एन ए या एन ए ओ एच या एन ए एच सी ओ थ्री आपको कुछ भी दें, तो जैसा जाता है वैसा ही आता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से एच पॉजिटिव जाएगा, इसकी जगह एन ए पॉजिटिव आएगा, एच पॉजिटिव गया एन ए पॉजिटिव आ गया, तो आर सी ओ ओ एन ए ये बनता है। अब डी कार्बोक्सीलेशन इसके बाद होती है, जब आपके पास ये सोल्ट है सोडियम पोटाशियम का, तो आप क्या करेंगे, आर सी ओ ओ एन ए प्लस एन ए ओ एच, ये रिएक्शन आपने करवाई सी ए ओ कैल्शियम ऑक्साइड चूना जिसको बोलते हैं उसकी प्रेजेंस में, और आपने हीट कर दिया, तो क्या होगा, सब कुछ यहाँ से चला जाएगा, इसका सी ओ टू भी जाना है, सब ले लो एक हाइड्रोजन को छोड़ के, सारी चीज़ें गिन लो यहाँ से। अब दो सोडियम है एन ए टू, एक कार्बन है सी, एक दो तीन ऑक्सीजन है, तो क्या चला गया आपके पास, एन ए टू सी ओ थ्री, और मेन प्रोडक्ट अब क्या आया, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, इसके साथ कौन आ गया, अब हाइड्रोजन मीन्स आर एच, इट मीन्स आपके पास एल्केन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं आपके पास डी कार्बोक्सीलेशन से। ये कन्वर्जन में भी रिएक्शन आपके बहुत काम की है, क्योंकि इससे आप कार्बन एटम की संख्या घटा सकते हैं। ये देखो आर सी ओ एच, ये कार्बन गायब हो गया अब आपका सी ओ टू के रूप में, ये चला गया आर एच सी दागा। तो डिसेंडिंग ऑफ सीरीज के लिए, यानी कि जहां हमने कार्बन एटम्स की संख्या कम करनी हो, वहां पर हम डी कार्बोक्सीलेशन का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इनकी आखिरी टाइप की जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि जब एक हट जाए और उसकी जगह पर दूसरा आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी हुई है, एच वी जेड रिएक्शन, इसको बोलते हैं हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और याद रखना है ये सारा काम कहाँ पर होता है, एट अल्फा पोजिशन, अल्फा पोजिशन पर होता है। अल्फा कौन सी है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो कौन सा कार्बन है, अल्फा, तो वो है। तो आर सी एच टू सी ओ एच, ये रिएजेंट याद रखने हैं, यही तो पहचान करवाएंगे कि एच वी जेड रिएक्शन है। तो एक्स टू ये हैलोजन है, ये क्लोरीन ब्रोमीन सी एल टू आप यहाँ ले सकते हैं, बी आर टू ले सकते हैं। रेड फास्फोरस वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएजेंट है, हैलोजन है, रेड फास्फोरस, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है, तो क्या होगा अल्फा। अब देखो ये तो सी ओ एच मेन ग्रुप है, इस कार्बन को मत गिनना, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सा है, अल्फा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होना है, यहाँ का एक हाइड्रोजन सी एल टू लिया तो ये क्लोरीन, ये तो एच सी एल के फॉर्म में चला जाएगा, दूसरा सी एल यहाँ पे लग जाएगा, तो आर सी एच एक हाइड्रोजन यहाँ का आप ले जा चुके, एक्स क्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपके पास था, और सी ओ ओ एच, ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एच वी जेड रिएक्शन, यानी कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स इसमें बनते हैं। लास्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सी ओ एच ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, याद रखना आपको, और डीएक्टिवेटिंग जितने भी हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आ रहा है वो कहाँ पर आएगा, मेटा पोजिशन पर आता है। कैसे, जैसे ये सी ओ एच है और आपने इसका करवा दिया नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या करते हैं हम, एच एन ओ थ्री कॉन्सेंट्रेटेड इसकी ज़रूरत पड़ती है, दूसरा कौन है एच टू एस ओ फोर, ये इसके साथ के बिना नहीं कर पाता बेचारा काम, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, एन ओ टू पॉजिटिव ये जनरेट होता है।
तो ये मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पोजीशन पर ये लगेगा, यानी कि ये COOH और मेटा पोजीशन पर कौन लगेगा, ये नाइट्रो है। तो नाइट्रो बेंजोइक एसिड जो है ये मेटा बनना है, यानी कि मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये बनता है। सिमिलरली अगर आप किसी फ्रीडल क्राफ्ट जैसे एल्काइलेशन की बात करते हो तो उसमें भी फिर वही है कि जैसे ये अपने पास क्या है, बेंजोइक एसिड, इसके साथ आपने क्या लिया CH3Cl, फ्रीडल क्राफ्ट की यही तो थी रिएक्शन, यहाँ से तोड़ोगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये कहाँ लगेगा, मेटा पोजिशन पर आकर लगेगा, तो ये है COOH और ये क्या है CH3। तो ये सारी बातें थी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में, और आखिर में वही बात जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।